फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन टॉपिक से पार्ट 6, जिसमें हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पर। यानी कि बेसिकली हम 3D मेंसुरेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब तक 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू डायरेक्टली मिल जाएगा, आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक बटन पर हिट जरूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन से पार्ट 6, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का सम दिया गया है, उसकी रेडियस और हाइट का सम दिया गया है जो कितना है 42 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 3696, तो वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का ये हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 17,428 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड 17,248 सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड 17,244 सेंटीमीटर क्यूब, फोर्थ 17,444 सेंटीमीटर क्यूब, फिफ्थ नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है, देखिए, सिलेंडर टू पैरेलल लाइंस और टू इक्वल सर्कल्स जिनकी रेडियस इक्वल होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हुए थे पार्ट 2 में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। अब वॉल्यूम के लिए आर और एच की वैल्यू, मतलब रेडियस और हाइट की वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं दी गई है। तो दोनों ही वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, रेडियस और हाइट का सम 42 सेंटीमीटर है, साथ ही टोटल सरफेस एरिया जो है वो 3696 है, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट का यूज़ करके हम हाइट और रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर के लिए, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr into h, ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है टोटल 2πr into h, प्लस टॉप और बॉटम का एरिया πr² + πr² 2πr²। तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा 2πr, अंदर क्या रह जाएगा h + r, जो कि किसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया कितना है 3696। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइट और रेडियस का सम, हाइट और रेडियस का सम हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर, तो 3696 इक्वल्स टू 2 × 22/7 × r × 42। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहीं सिंप्लीफाई हम कर लें, 7 से 42 डिवाइड होगा 6 से, ये जो वैल्यू है वो डिवाइड होगी 6, 1, then 6, यानी कि 616 टाइम, और 616 22 से डिवाइड होगा 28 टाइम, 28 डिवाइड होगा 2 से 14 टाइम। तो r की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया था वो सेंटीमीटर क्यूब में था, और सिलेंडर में जो रेडियस और हाइट है उसका सम भी 42 सेंटीमीटर था, तो रेडियस कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर। और अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट से हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
हाइट क्या हो जाएगी, देखिए सम क्या है रेडियस और हाइट का 42, रेडियस कितनी है 14, तो हाइट कितनी हो जाएगी 42 माइनस 14 डेट मीन्स 28 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिलेंडर का, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 × 14 और एच इंटू 28, 7 से 14 डिवाइड होगा 2 टाइम, इन वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए 28 × 14 पर 22 × 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 14 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 + 14 ठीक है, 14 + 14 और 14 को मल्टीप्लाई करना है हमें 28 से, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 28 को स्प्लिट कर रहा हूँ 14 + 14 में, तो 14 × 14 यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 आपको मालूम होना चाहिए, और नेक्स्ट भी 196 वैल्यू हमें मिलेगी, तो 196 + 196 कितना हो जाएगा 392 ठीक है, 392 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 44 से, तो थ्री डिजिट को थ्री डिजिट से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम, फॉर्मेट क्या होता है IXXI, तो इस वैल्यू को थ्री डिजिट बनाने के लिए 0 हम आगे लगा देते हैं, देन वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 = 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 = 8, 9 × 4 = 36, 36 + 8 = 44, तो 4 यहाँ पर हम लिखेंगे 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 × 0 = 0, 3 × 4 = 12, 9 × 4 = 36, 36 + 12 कितना हो जाएगा 48, 48 + 4 = 52, टू यहाँ पर हम लिखेंगे 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 0 = 0, 3 × 4 = 12, 12 + 5 = 17, तो यहाँ पर 17 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा 100 डिजिट्स के बीच में, तो एक डिजिट जो है वो 0 है, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आता वही हमें यहाँ पर लिखना होता, तो डायरेक्ट हमने 17 यहाँ पर लिख दिया, तो वैल्यू क्या हो गई है 17,248, वॉल्यूम क्या होगा 17,248 सेंटीमीटर क्यूब, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर 17,248 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सेकंड राइट होगा। तो फ्रेंड्स जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच रहा उसी तरह का अप्रोच इन क्वेश्चंस में भी रहेगा, क्वेश्चन को हमें समझना है, ये देखना है वैल्यूज़ क्या क्या हैं, क्या क्या गिवन है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो उन वैल्यूज़ से हमें जो वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं जो हमारे काम आएंगी उनको फाइंड आउट करना है, और फिर जो भी हमसे पूछा गया है वॉल्यूम सरफेस एरिया कर्व्ड एरिया उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो अप्रोच सेम रहेगा हर तरह के क्वेश्चंस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज कन्वर्टेड इंटू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्पीयर, देन ऑप्शन हैं फर्स्ट आर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, सेकेंड कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर इंटू रूट ओवर 2/3, थर्ड ऑप्शन है कैपिटल आर इक्वल टू रूट ओवर 2r/3, फोर्थ ऑप्शन है आर कैपिटल आर इक्वल टू 2r/3, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहा क्या गया है, एक सॉलिड मेटेलिक स्पीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, उसको कन्वर्ट किया गया है, बदल दिया गया है किस में, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर में। सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जो हमने डिस्कस किया हुआ है, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर बात वही है, और उस सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर, तो सॉलिड मेटेलिक स्पीयर को चेंज कर दिया गया है सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर में, उनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है, और हाइट के लिए बोला गया है सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस जो स्पीयर की रेडियस है उसकी दुगनी है, सिलेंडर की जो हाइट है वो स्पीयर की रेडियस की दुगनी है, तब हमें ये बताना है जो भी ऑप्शंस में रिलेशन दिए गए हैं सिलेंडर की रेडियस और स्पीयर की रेडियस के बीच में, उन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, जो रिलेशन होगा रेडियस के बीच में दोनों ही सिलेंडर और स्पीयर की रेडियस के बीच में, तो कौन सा रिलेशन ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मेनली जो क्वेश्चन है उसमें हाइट सिलेंडर की हाइट और स्पीयर की रेडियस के बीच में रिलेशन दिया गया है, और इस डिटेल को यूज़ करते हुए सिर्फ इसी डिटेल को यूज़ करते हुए हम
सिलेंडर की रेडियस और स्पेयर की रेडियस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, कुछ और डिटेल भी हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर स्पेयर को कन्वर्ट किया गया है सिलेंडर में, ठीक है। अब कन्वर्ट किया गया है, इससे क्या पता लग रहा है, किस पॉइंट से हम शुरुआत कर सकते हैं? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी अदर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका सरफेस एरिया बदल सकता है, कर्व्ड एरियाज बदल सकता है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। जो भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है, किसी अदर ऑब्जेक्ट में उसको चेंज किया गया तो वॉल्यूम सेम रहेगा। और इसी पॉइंट को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर दोनों ही रेडियस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही जो ऑब्जेक्ट हैं वो सॉलिड हैं, होलो स्पीयर होलो सिलेंडर नहीं है। तो आप फॉर्मूला ध्यान से समझ के यूज़ कीजिएगा। सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्पीयर के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उन्हें ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जैसा हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस के लिए बोला गया है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और हाइट को हम मान लेते हैं स्मॉल एच, ठीक है, जो कि इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के। सॉलिड स्पीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल आर क्यूब। और अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब। अब देखिए, एक और स्टेटमेंट हमें दिया गया था, जो सिलेंडर की हाइट है वो दुगनी है स्पीयर की रेडियस से, तो हाइट इक्वल्स टू 2 इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 आर इक्वल्स टू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। 2 से 4 डिवाइड होगा 2 टाइम, इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, आर स्क्वायर, देखिए एक आर यहाँ पर है, आर क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कैंसिल आउट होगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल होगा 2/3 आर स्मॉल आर स्क्वायर के, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर के। दोनों तरफ रूट अगर हम लें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू आर इंटू रूट ओवर 2/3, ठीक है। आर स्क्वायर का रूट क्या होगा, स्मॉल आर, 2/3 का रूट क्या होगा, रूट ओवर 2/3, कैपिटल आर स्क्वायर का रूट क्या होगा, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या है, आर इंटू रूट ओवर 2/3 वैल्यू हमें मिली है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है, ऑप्शन सेकेंड, कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इंटू रूट ओवर 2/3। तो फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, हमें कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी, कुछ लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप नहीं समझ पाते कि कन्वर्ट करने पर क्या क्या वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी, अगर वो आपको नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व आगे नहीं कर पाते, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया चेंज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों ही ऑब्जेक्ट का, अगर कन्वर्ट किया जाता है तब भी। तो इसी ट्रिक को आपको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल का आइकन आपको पास में दिखाई देगा उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अब देखिए, इस पार्ट से थर्ड क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस इज 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इस डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर इज, ऑप्शंस हैं, फर्स्ट रूट ओवर 11, सेकंड रूट ओवर 13, थर्ड ऑप्शन है रूट ओवर 14, फोर्थ ऑप्शन है रूट ओवर 15, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया दिया गया है जो कि है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में ये बोला गया है कि उसकी जो भी ऑल एजेस हैं
एजेस का मतलब है उसकी लेंथ, हाइट, ब्रीथ, उनका सम दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो डायगोनल की लेंथ या डायगोनल कितना होगा इन सेंटीमीटर वो हमको बताना है। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं क्यूबॉइड से जुड़े हुए ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उनके बारे में पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड के लिए? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हम मान लेते हैं लेंथ क्या है स्मॉल एल, ब्रीथ क्या है स्मॉल बी, और हाइट कितनी है एच। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट होता है क्यूबॉइड, तो लेंथ एल, ब्रेथ स्मॉल बी और हाइट एच। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 into लेंथ into ब्रेथ प्लस लेंथ into हाइट प्लस ब्रेथ into हाइट। ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया के लिए, जो कि किसके इक्वल है 22 के। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सरफेस एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। और फ्रेंड साथ में दिया गया है कि जो ऑल एजेस हैं उस क्यूबॉइड की उनका सम है 24 सेंटीमीटर। तो एजेस कितनी होंगी, लेंथ की हम बात करें, ब्रेथ की हम बात करें, हाइट की हम बात करें, तो एक्चुअल में हमें एड कितना करना है। देखिए क्यूबॉइड होता किस तरह का है, इस तरह की डिज़ाइन में एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है, एक बॉक्स की तरह, एक बॉक्स को हम क्यूबॉइड मान सकते हैं। तो लेंथ की हम बात करें तो कितनी एजेस होंगी लेंथ के लिए, 4, ठीक है, एक तो ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो कितनी एजेस हो गई यहाँ पर, 4 लेंथ की हम बात कर रहे हैं। बात करें हाइट की तो कितनी एजेस होंगी, 1, 2, 3, 4, हाइट के लिए 4 एजेस हो गई, ब्रीथ के लिए 1, 2, 3, 4, तो ब्रीथ के लिए भी 4 एजेस हो गई। तो टोटल एजेस का सम 24 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस हाइट इक्वल्स टू 24, ठीक है, 4 into L, क्योंकि जो एजेस हैं लेंथ के लिए वो 4 हैं, ब्रीथ के लिए 4 हैं, हाइट के लिए 4 हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, देन L प्लस B प्लस H इक्वल्स टू 24। और फ्रेंड्स क्यूबॉइड के डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो टर्म है हमें किस तरह से मिल सकती है, तो देखिए ये जो टर्म है L प्लस B प्लस H, इसका स्क्वायर करने पर हमें इस तरह की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एलजेब्रा में एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AC प्लस 2BC, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, एल प्लस बी प्लस एच किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, ठीक है। 24 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो दोनों ही तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, डेट मीन्स 36। और इस इक्वेशन में ये जो होल टर्म है ये किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है, 2 into LB प्लस 2 into LH प्लस 2 into BH किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू की जगह पर 22 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 36 माइनस 22, ठीक है, 36 माइनस 22 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। और दोनों तरफ रूट लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ रूट लेने पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 14। और यही वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है। डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू
यही हमें फाइंड आउट करना था जो कितना आया है, रूट 14। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स थोड़े अलग तरह का क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन जो है सरफेस एरिया और एजेस के बीच में रिलेशन लेते हुए हमने डायगोनल को फाइंड आउट किया। कई बार फॉर्मूलाज को यूज़ करके या फिर सरफेस एरिया, कर्व एरिया, इनको यूज़ करके भी जो रिक्वायर्ड फैक्टर है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 4। द सरफेस ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल फॉर्म्स अ रेक्टेंगल विद द लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर। द डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1.2 मीटर टू 2.4 मीटर एट द अदर एंड। द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन द पूल इज, ऑप्शन हैं फर्स्ट 500, सेकेंड 540, थर्ड 720, फोर्थ 1080। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग सा है, ठीक से इसे समझिएगा। द सरफेस ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। जो सरफेस है स्विमिंग पूल की, वाटर की जो सरफेस है वो किसमें तब्दील हो गई है, एक रेक्टेंगल में तब्दील हो गई है, एक आयताकार में तब्दील हो गई है। इसकी लेंथ है 40 मीटर और ब्रीथ है, चौड़ाई है 15 मीटर। जो डेप्थ है वाटर की वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली 1.2 मीटर से 2.4 मीटर तक, ठीक है। जो डेप्थ है वो स्टैटिक नहीं है, वो बार बार में चेंज हो रही है 1.2 मीटर से 2.4 मीटर तक अदर एंड पर, दूसरे एंड पर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो पूल है उसमें वाटर का वॉल्यूम क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगल का, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ हमें दी गई है 40 मीटर, ब्रेथ हमें दी गई है 15 मीटर, हाइट या फिर डेप्थ की हम बात कर सकते हैं। तो डेप्थ जो दी गई है 1.2 मीटर से 2.4 मीटर। अब इसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, 1.2 मीटर लें या फिर 2.4 मीटर लें या फिर इनके बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यही एक कन्फ्यूजन है जिस वजह से स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर हाइट जो है वो स्टैटिक नहीं है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, ठीक है, 1.2 मीटर से 2.4 मीटर तक कोई भी वैल्यू मिल रही है, वो बार बार में जो वाटर का लेवल है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इन दोनों ही वैल्यूज़ का एवरेज लेना है और जो एवरेज आएगा वही एक्चुअल में डेप्थ होगी, ठीक है। एक स्टैटिक डेप्थ हम मानकर चलेंगे, एक हाइट हम मानकर चलेंगे। तो लेंथ जो है वो कितनी है, 40 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर, हाइट का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.2 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय 2। इनका एवरेज हम लेंगे, एवरेज जो भी आएगा उसे हम स्टैटिक डेप्थ मान लेंगे उस पूल की। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, 15 × 40, 15 × 460, दैट मीन्स 600। तो यहाँ पर 40 × 15 करने पर हमें मिल जाएगा 1.2 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा 3.6। 3.6 का हाफ कितना होगा 1.8, 18 का दुगना होता है 36, तो 3.6 का हाफ कितना हो जाएगा 1.8। अगर इस डेसिमल को हम हटाते हैं तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बात एक ही है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हम 10 लिखें देन कैंसिल आउट करें तो भी एक जीरो कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो 18 × 60 हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 18 × 60 कितना हो जाएगा 1080। तो वॉल्यूम कितना आया रेक्टेंगल का, या फिर हम कह सकते हैं जो वाटर है पूल में उसका वॉल्यूम कितना है 1080 मीटर क्यूब, ठीक है, जो हमें आंसर फाइंड आउट करना था वो मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना था। तो 1080 मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा पूल में वाटर का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 4, 1080। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो था इतना लेंथी नहीं था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट हमें समझना था वो क्या था कि अगर हाइट वेरी कर रही हो, कोई वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर रही हो, तो एक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, देन जो भी फॉर्मूला है उसके थ्रू हम रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट करेंगे।
फ्रेंड्स अब इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. अ होलो स्पेरिकल सिल्वर बोल हैज एन एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर थिक. देन द वॉल्यूम ऑफ द सिल्वर यूज इन द बोल इज, ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 28/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड 1 सेंटीमीटर क्यूब, फोर्थ 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फोर्थ 7 सेंटीमीटर क्यूब, फिफ्थ नन ऑफ दीज. तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक खोखला सिल्वर का बोल है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 4 सेंटीमीटर का और इंटरनल डायमीटर है 2 सेंटीमीटर का. तो उस बोल में सिल्वर कितना यूज्ड हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि स्पीयर के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है. तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं. और जो पार्ट टू है उसमें मैंने आपको होलो स्पीयर के लिए वॉल्यूम क्या होता है, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, ये भी आपको बताया हुआ है. तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला को यूज़ करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. भाई टू स्पीयर हैं, होलो स्पीयर में टू स्पीयर हम मानकर चलते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. और ये जो हिस्सा है खोखला है, यहाँ पर कुछ भी भरा हुआ नहीं है, किसी भी मटेरियल से ये भरा हुआ नहीं है, ये जो हिस्सा है वो खोखला है. तो इंटरनल जो स्पीयर है उसका डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर और जो एक्सटर्नल स्पीयर है उसका डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर. तो जो एक्सटर्नल स्पीयर है उसके लिए रेडियस कितनी होगी, भाई डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होता है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इसको हम आर टू बोल देते हैं. एक्सटर्नल जो स्पीयर है उसके लिए रेडियस है आर टू, कितनी है 2 सेंटीमीटर. इंटरनल स्पीयर जिसको हम उसकी रेडियस को हम आर वन नाम दे देते हैं, रेडियस कितनी होगी भाई, 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला क्या है होलो स्पीयर के लिए, वॉल्यूम ऑफ होलो स्पीयर, ये जो पार्ट है ठीक है, खोखले के अलावा जो पार्ट है इसमें कितना सिल्वर यूज हुआ है वो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करके बता सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्पीयर या वॉल्यूम ऑफ सिल्वर यूज इन बोल कितना होगा, 4/3 पाई आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे एक होलो स्पीयर का जो वॉल्यूम है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं सिल्वर का जो कि उस बोल में यूज हुआ है. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं 4/3. अब आंसर देखिए आप पाई में भी आ सकता है और नॉर्मल वैल्यू भी आ सकती है. तो पहले पाई के साथ में हम देखते हैं, तो पाई की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, 22/7. आर टू क्यूब, आर टू की वैल्यू क्या है 2, तो 2 क्यूब माइनस आर वन क्यूब 1 क्यूब क्या हो जाएगा 4/3 पाई 2 क्यूब डेट मीन्स 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 7, 7 इंटू 4 कितना हो जाता है 28/3 पाई. ठीक है, ये वैल्यू ऑप्शन में दी गई है और वॉल्यूम जो है वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. तो वॉल्यूम कितना मिला है 28/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट. तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो बहुत कम वक्त में. अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं है आपको, ना ही स्पीयर का सॉलिड स्पीयर का, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. अगर सॉलिड स्पीयर का भी फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आप पहले एक्सटर्नल स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते, फिर इंटरनल स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, तब भी आपको वैल्यू मिल जाती, जो आंसर था वो मिल जाता, लेकिन फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए था. तो काफ़ी तरह के क्वेश्चन हमने देखे इस पार्ट में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा. अगर हेल्पफुल रहा आपके लिए तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा. जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें. जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू डायरेक्टली मिल जाए, आप उस वीडियो को मिस ना करें. और फ्रेंड्स हम डेली एक नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब
हमारे चैनल को कर लें ताकि रोजाना आपको एक नया वीडियो मिल सके।